डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी लगी हुई है तो सभी लोग ना जंगल की कुटाई करने पर लगे हुए हैं। मिलिए बहुत दिनों के बाद दादी। दादी कहाँ जाते हो? ठीक जमी है दादी। बनती है साथ साथ में ना, जब ये फली कच्चिया होती है ना तो तब ना इनको ना हम लोग उबाल के खाते हैं। तो आज इसी काकड़ी का रायता बनने वाला है। और देखिए जी, ये पहाड़ी काकड़ी है। हेलो जी, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से खूब लगते हुए हरे भरे पहाड़ों से और साथ ही साथ विंध्येश्वर घाटी से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 12:30 बजे के आसपास से कर रही हूँ। आज इन पहाड़ों में मौसम सुबह से लेकर अभी तक सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ विंध्येश्वर घाटी और सामने की ऊंची हरी भरी पहाड़ियों के नज़ारे काफी सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए छत पे आ रही थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे नए वाले छत पे ना खूब सारी काकड़ी और ये मीठे करेले की बेल आ रखी है। और आजकल इन बेलों पे देखिए खूब सारी मात्रा में फ्लावरिंग भी हो रखी है। और इसी के साथ साथ ना मीठे मीठे परमल भी लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इस काकड़ी के बेल पे छोटी सी काकड़ी की फुलड़ी लगी हुई है। और आजकल खूब सारी फ्लावरिंग भी इस बेल पे हो रखी है भाई। नीचे नीचे इस बेल पे जो काकड़ियाँ लगी हुई थी आजकल ये सारी ना पीले पड़ने लग गई है। अब इनका धीरे धीरे करके सीजन जाने लग गया है। तो देखिए जी सब पीली पड़ गई है, यहाँ पे भी, यहाँ नीचे की ओर भी, ये देखिए जी। और नीचे वाली बेल पे तो क्या ही बोलना, उस पे तो सारी पीली पड़ गई है, ये देखिए जी। तो आजकल गाँव के लोग ना अपने अपने पेड़ों से अखरोट भी निकाल रहे हैं, यानी कि जिनके अखरोट के पेड़ होंगे तो वो देखिए आजकल अखरोट की हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। हमारे घर पे सामने वाले किचन गार्डन के साइड इस वाली जगह पे 2 अखरोट के पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ अभी छोटे छोटे हैं, उन पे अखरोट ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इस वजह से हमें ना ये अखरोट लेने पड़े किसी और से। तो ये अखरोट 500-1000 रुपये के होंगे, हमारे गाँव में ना 2 रुपये के दे रहे हैं भाई एक अखरोट, इतने महंगे मिलते हैं यहाँ पर अखरोट। तो खाने से पहले इन सारे अखरोट को ना 3-4 बार धूप में सुखाना पड़ता है और उसके बाद पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। तो हर साल हम 2-2, 3-3 हज़ार के अखरोट लेकर रख देते हैं। कभी मम्मी मेरे ले लेती है, कभी भैया के लिए लेती है, घर पे सभी के लिए खाने के लिए ऐसे लेने पड़ते हैं भाई हमें। थोड़ी देर तक मैं मम्मी लोगों के साथ बैठी रही और आधे घंटे तक हमने आराम भी किया। बाकी अभी होगी हमें तैयार और मेरी तैयारी होगी है गाँव में चाची लोग के घर पर जाने के लिए। आज चाची जी ने मठा बना रखी है, तो सुबह मुझे फ़ोन किया था कि मठा लेने आना, सुबह से तो मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ जाने का। तो चलिए जी, अभी दिन के टाइम पे मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए अभी भी चले जाते हैं और मठा लेके आते हैं। तो हमारे पहाड़ों में ऐसा रहता है ना, जब हमारा लैंड पानी नहीं होता, यानी कि हमारी भैंस दूध नहीं देती, हम लोग मठा नहीं बना पाते, तो गाँव के और लोग दे देते हैं जिनका रहता है, मतलब आर सार चलती रहती है, यानी कि लेन देन। बाकी घर के मैं सामने आ गई हूँ और यहाँ सामने पे ऊपर सारे रहा जी मेलू का पेड़। और आजकल इस पेड़ पे खूब सारे मेलू के फल आ रखे हैं, वो भी बड़े बड़े साइज़ के। ये मेलू ना नवंबर के महीने तक पक के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं भाई। तो मैं देखिए ये खेत पूरे मंडवे के हैं और आजकल इन खेतों में अब मंडवा भी धीरे धीरे करके भूरा पड़ने लग गया है, यानी कि ये वाली फसल भी आप धीरे धीरे करके पक्के तैयार होने वाली है। साथ ही साथ इस खेत में चौलाई भी है और चौलाई के फुरके भी बड़े हो गए हैं, अब धीरे धीरे करके ये भी ना पकने लग गया होगा। तो यानी कि ये है रामदाना का पौधा। जगह पे राजी लोबिया की बेल और इस बेल पे देखिए लोबिया दाल की खूब सारी फलियां पक के तैयार हो गई है, ये देखिए जी पीली पीली पड़ी हुई हैं और कुछ फलियां हरी हरी भी है। और हम लोग ना बचपन में इन फलियों को हरी हरी तोड़ के खा जाते थे। तो अभी आ गई हूँ मैं भाभी जी लोग के घर पे, जिनकी रस्सी देनी थी। और इन्होंने देखिए अपने आंगन में ना झंगोरा डाल रखा है, आज धूप लगी हुई है तो सभी लोग ना झंगोरे की कुटाई करने पर लगे हुए हैं। और इन्होंने देखिए आधा आधा झंगोरा कुछ ऐसे कूट लिया है। और कूटने के लिए हमारे पहाड़ों में ना कुछ ऐसे औजार रहते हैं बांझ की लकड़ी के,
ये देखिए ये लकड़ी ना बहुत ही मजबूती रहती है, तो हमारे पहाड़ों में अभी भी पुराने तरीके से ही झंगोरे की मंडाई की जाती है, यानी कि इन डंडों से। और आजकल काफ़ी सारी मिर्चें भी पक गई हैं किचन गार्डन में, तो यहाँ पे देखिए भाभी जी और उन्होंने मिर्च भी टब में सुखाने डाल रखी है, और सामने वाले इस छोटे से टब पे गेहूँ डाल रखे हैं सुखाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे बांझ की झेड़े भी। तो चलते चलते अभी आ गई हूँ मैं इस धार में, और यहाँ से देखिए मेरे गांव का नज़ारा ना पूरा किला दिखाई देता है। और आजकल देखिए गांव के पल्ले तरफ इन खेतों में ना झंगोरे की कटाई मंडाई पूरी हो गई है, और खेत अब कटाई के बाद ना भूरे भूरे लगने लग गए हैं। और आजकल लोगों ने देखिए अपने खेतों से झंगरटे वाले न्यार काट के ऐसे जगह जगह पेड़ों पर लगा दी है स्टोर करके। अब ये घास ना सर्दियों के सीजन में गाय भैंसों को देने के काम आएगी। यहाँ नीचे पे देखिए बहुत सारे खुम लगा रखे हैं, और इसी के साथ यहाँ ऊपर साइड भी, यानी कि खेतों के अगल बगल जितने भी ये पेड़ होते हैं ना, तो सारे पेड़ों का इस्तेमाल आजकल के टाइम पे घास लगाने के लिए किया जाता है। देखिए जी अब धीरे धीरे करके हमारे गांव के तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं ना, उनकी हालत सुधरने लग गई है। आजकल देखिए सामने वाले इस गदेरे में ना डाट पुल बनके तैयार हो गया है, तो वो बहुत ही अच्छी बात हो गई है भाई। बाकी सामने वाला रास्ता पूरी गौशालाओं से होते हुए जाता है, और इस वाले एरिया में ना पूरी गौशालाएँ गौशालाएँ हैं हमारे वाले पहले मोहल्ले की। और आजकल देखिए बरसात के सीज़न में ना बहुत सारा पानी जगह जगह निकलता ही रहता है, तो यहाँ पे देखिए लोगों ने ना छोटा सा पानी का धारा भी बना रखा है, टीन लगा रखी है, और यहाँ पे देखिए ठंडा ठंडा पानी बह रहा है भाई। तो चलिए जी इस धारे से ना पानी पीते हुए चलते हैं। तो पहाड़ों में आपको ऐसे जल स्रोत ना हर जगह मिलेंगे जिनका पानी ना शुद्ध होता है, और हम लोग ना इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो आजकल के टाइम पे लोगों ने देखिए गौशाला की छत आंगन यानी कि गुठियार में ये हरी हरी घास ना सुखाने के लिए डाल रखी है, तो आजकल हमारे पहाड़ों में यही काम होता है भाई, घास की कटाई उसके बाद सुखाई और उसके बाद ना स्टोर करके रखा जाता है। तो देखिए जिन दादी लोग की ये गौशाला है ना, तो उन्होंने अपनी गौशाला की छत पर पूरी हरी हरी घास सुखाने के लिए कुछ ऐसे डाल रखी है। बाकी यहाँ नीचे की ओर पूरा केले का बागीचा है, और ये है पहाड़ी केले के पेड़। इन पेड़ों पे केले तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन पत्ते भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हरे 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 के हैं। अब ये हरे पत्ते ना सर्दियों के सीज़न में गाय भैंस को हरी घास के रूप में देने के लिए काम आते हैं भाई। कि यहाँ नीचे की ओर रहा जी पहाड़ी अखरोट का पेड़, और आजकल इस अखरोट के पेड़ पे अखरोट भी पक गए हैं, मतलब अखरोट से छिलके निकलने लग गए हैं। और जिन लोगों का ये पेड़ है उन्होंने अखरोट तो नहीं निकाले, बाकी इसी पेड़ पे दो घुटती वाली चिड़िया मस्त से होके बैठी हुई है भाई। ये देखिए 10 ही मिनट में मैं पहुँच चुकी हूँ गाँव में, यानी कि अपने पहले वाले मोहल्ले में, और मेरे ठीक पीछे देखिए यहाँ नीचे वाले साइड भी ना चाची लोग के केले के बगीचे हैं, और इन केलों के पेड़ों पर बहुत सारी मात्रा में गुच्छे आ रखे हैं। ये देखिए जी बहुत ही बड़े बड़े, और ये केले ना पेड़ पे नहीं पकते हैं, इन्हें ना काट कर अनगिर रखना पड़ता है या तो अनाज के अंदर, तभी ये ना पक्के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं भाई। हाय मोटू। तो चलिए जी चाची लोग के घर पे पहुंच गए हैं, और अभी देखिए दादी जी आ गई है। दादी कहाँ से? कहाँ से को? तो दादी देखिए घास लेके भी आ गई है, हैं? और सुमन देखिए धान काटने के बाद घास लेने गई थी, लगा ले घास है, हैं? कहाँ भर गए वो? आज धूप लगी हुई है, तो इन्होंने भी देखिए अपने घर की छत पे ना लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाल रखी है। आजकल सर्दियों में लकड़ियों पर सिलन सी आ जाती है, और बरसात ज़्यादा होने की वजह से ना ये लकड़ियाँ पानी पी लेती हैं, तो इन्हें जलाने से पहले धूप में सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी दिन के टाइम पर देखिए हमारे गाँव का माहौल ना शांत सा दिखाई दे रहा है, और
साथ साथ अभी धूप भी बादलों के पीछे छुप गई है। और आजकल देखिए गाँव के सभी लोगों ने ना अपने अपने आंगन में झंगोराना सुखाने के लिए डाल रखा है, और अभी तो ये सुखाने के लिए डाल रखा है, थोड़ी देर बाद इसकी कुटाई भी होगी। और इसी के साथ साथ देखिए सामने की तरफ चाची जी लोग लगातार कुटाई करने पर लगे हुए हैं। मिलिए बहुत दिनों के बाद दादी जी। दादी कंचे तू ठीक तो मैं दादी तो यहाँ पे देखिए सुमन ने ना खेतों से सोयाबीन भट निकाल के ला रखे हैं, और इन सोयाबीन भटों से ना बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती है, इनकी दाल भी बनती है। साथ साथ में ना जब ये फली कच्चिया होती है ना तो तब ना इनको ना हम लोग उबाल के खाते हैं। तो अभी देखिए दादी जी ना उबालने के लिए इन फलियों को एक छोटी सी पतीले में तोड़ के इकट्ठा कर रही है। तो दादी जी ने देखे इस भटके पौधे से ना इतने सारे सोयाबीन भट्टे इकट्ठा कर लिए हैं, फुल पतीले भर गए हैं। ये देखिए जी लगभग 2 बज गए हैं, और इसी के साथ ना खाना खाने का टाइम भी हो गया है। तो आज ना मैं स्पेशली खाना खाने के लिए इनके घर आ रखी हूँ, क्योंकि इन्होंने बना रखा है झुंगोरा और इसी के साथ मूली की थिचौड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। भाई झुंगोरे का भात मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखिए सुमन ना रायता बना रही है, और रायता में ना हम लोग हरा नमक डालते हैं। तो हरा नमक किस किस चीज़ का पिसा जा रहा है, तो इस बाल्टी में देखिए पुदीना भी है और साथ में हरी मिर्चें भी है। तो हमारे पहाड़ में नमक पिसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी देखिए पूनम ना खेतों से हरी हरी काकड़ी निकाल के ले आई है, तो आज इसी काकड़ी का रायता बनने वाला है। और देखिए जी ये पहाड़ी काकड़ी है, साइज में भले ही छोटी है लेकिन इस काकड़ी में ना बहुत ज्यादा मात्रा में पानी यानी कि रस रहता है। तो चलिए जी गर्मियों के सीजन में थोड़ा शरीर को ठंडक और पानी की जरूरत रहती है, काकड़ी से पूर्ति हो जाएगी नी। तो हरा नमक भी सुमन ने पीस लिया है, और इसी के साथ साथ काकड़ी भी काट दी है। तो हमारे पहाड़ों में ना रायता 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो सिलबट्टे में इस काकड़ी की कुटाई करके, और दूसरा कद्दूकस से कद्दूकस करने के बाद। लेकिन आज सुमन देखिए दूसरे स्टाइल में बना रही है, कह रही थीच के बनाऊंगी बल में। ना ना दादी मैंने लिया। तो चलिए जी आज एक टुकड़ा टेस्ट करके देखते हैं काकड़ी का। और इस पे अभी देखिए हरी मिर्च का नमक लगा दिया है। तो भाई पहाड़ी काकड़ी और साथ में हरा नमक रहे ना भाई, बात ही कुछ और होती है, और टेस्ट इतना गजब का होता है ना जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खड़ी भी अच्छे से कूट दी है सिलबट्टे पे, और नमक भी पिस चुका है। और इस बड़े से लोटे में ये है छाछ, तो आज हम बनाएंगे छाछ का रायता। तो देखिए जी 2 ही सेकंड में रायता भी बन के हो गया है रेडी जी। सारी चीजें बन के हो गई है तैयार। तो आज के लंच में देखिए सुमन और ने बनाया है झंगोरे के चावल का भात, इसी के साथ बनाई है मूली की थिचौड़ी, और सलाद में काट रखी है काकड़ी, और इसी के साथ इस बड़े से लोटे में देखिए मुझे पीने के लिए छाछ भी दे रखी है, यानी कि रायता बना रखा है हमने। तो चलिए जी अब ना मैं टेस्टी टेस्टी झंगोरे और मूली की थिचौड़ी खाने का आनंद ले लेती हूँ। तो चलिए जी टेस्टी टेस्टी लंच भी कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा था। बाकी यहाँ देखिए इन्होंने अपने घर के अंदर ना खूब सारा घरे झुंगोरे की लवाई करके रखा हुआ है, बारिश की वजह से ना शायद इन्होंने अंदर ही रखा, बाहर पे आजकल आंगन में गीला गीला सा माहौल हो जाता है। तो ये देखिए ये है घरे झुंगोरे की बाल, जो की कुछ इस तरह की होती है। तो अभी इसकी मंडाई करनी भी रहेगी है, और इसी के साथ आपको मैं एक अनोखी चीज भी दिखाती हूँ इनके घर पे। तो यहाँ पे देखिए ये है पहाड़ी जंदरा, हमारे पहाड़ों में ना पुराने जमाने में इसी जंदरे से ना आटा निकाला जाता था, साथ में दाल भी इसी जंदरे में पीसते थे बारीक करने के लिए। तो देखिए इनके घर पे अभी भी ये मौजूद है, और ये जंदरा सुमन के दादाजी ने बना रखा था, है ना। यस ये अब बहुत कम देखने को मिलता है पहाड़ों में, धीरे धीरे करके ये चीजें भी ना विलुप्त होने लग गई है, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना ना बंद ही कर दिया है। सही। बाकी आजकल इनके इस छोटे से माल्टे के पेड़ पे देखिए माल्टों का साइज खूब बड़ा हो गया भाई, जब भी मैं इनके घर पे आती हूँ तब भी इसी पेड़ पे मुझे माल्टे का साइज बड़ा ही देखने को मिलता है। थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, और अभी देखिए शाम के करीबन 4 बज गए हैं, और इसी के साथ सुमन ने बना दी है शाम की गर्मा गर्म चाय, और यहाँ मेरा नीलू का सर फूट गया है मशीन पे, आराम से रहो बोलिए। तो चलिए जी
अब शाम की गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद ले लेते हैं भाई। हमारे पहाड़ों में ना चाय हर टाइम की केतली में बनाई जाती है। केतली में बनाई हुई चाय ना बहुत ही टेस्टी होती है पीने में भाई, और साथ साथ में ना बहुत देर तक गर्म भी रहती है। तो हम लोग इसी केतली का इस्तेमाल करते हैं भाई चाय के लिए अक्सर। चाय चाय के साथ हम खाने वाले हैं नमकीन बिस्किट। चाय बोलो, गरम चाय भी पी ली है। और आप देखिए सुमन ने मेरे लिए एक बोतल छाछ और साथ में झुंगरे के चावल भी रख दिए हैं। और इन सभी लोगों की तैयारी हो गई है अब घर जाने के लिए, और इसी के साथ मेरी तैयारी हो गई है घर जाने के लिए। चल ठीक चा बाय है। और पूनम बोल रही है वीडियो का तो बोले देवल है ना। चल ठीक चल पूनम बाय हाँ बाय बाय दादी। अभी शाम के ठंडे ठंडे माहौल में गांव की औरतें जाने लगी है अपने खेतों की और घास की कटाई के लिए। तो देखिए जी शाम के टाइम पे गांव की औरतें जाने लगी है खेतों की तरफ घास लेने के लिए, और इसी के साथ छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं गायों के साथ ग्वाला। और यहाँ पे देखिए भाभी जी ने भी अपने भैंसों को बाहर निकाल लिया है और घास दे रखी है भाई खाने के लिए मस्त। तो चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ अपने बगड़ांग वाले मोहल्ले की तरफ। और यहाँ पे इन मंडवे के खेतों में देखिए लोगों ने ना मंडवे की रास्ते में ऐसी छोटी छोटी पुली बांध रखी है। तो भाई ये मंडवा ना रास्ते में लटका रहा होगा, तो लोगों ने देखिए कुछ ऐसी पुली बना दी है ताकि ना इसकी बालियाँ सड़े ना और लोग ना घास को भी बेकार ना करें। तो अब रास्ता खुला खुला हो गया भाई देखिए जी। और इसी के साथ यहाँ ऊपर वाले किचन गार्डन में देखिए ताई जी और के इस खेत में ना मिर्ची भी पक गई है मिर्च के पौधों में। और यहाँ पे देखिए ये है रामदाना का पौधा, और आजकल इसमें रामदाना के फुरके काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। और रामदाना को हमारे गढ़वाल में ना चूआ बोलते हैं यानी कि चौलाई। ये जी घर पे भी मैं पहुंच गई हूँ, और इसके लिए देखिए हमारे घर का माहौल सुनसान सा देखने को मिल रहा होगा आपको। वो इसलिए कि मम्मी चली गई है अयांश और सृष्टि को लेके बाजार, कल मंडे है उनका स्कूटी है। अयांश देखिए मम्मी के साथ गया नहीं, अयांश बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, कहना नहीं मानता है, कह रहा मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तो अब मैं इसको लेकर कल सुबह जाऊँगी। और अभी टाइम पे भैया भाभी चले गए हैं खेतों की और घास निकालने के लिए, और पापा कह रहे हैं मुझे अब एक कद्दू ढूंढ के लिए यार खेतों से सब्जी बनाने के लिए। ये मैंने ये छोटी वाली कुदाल भी ले ली है, पास वाले किचन गार्डन में हमने मूली बो रखी थी, तो आजकल मूली काफी बड़ी बड़ी हो गई है जमने के बाद, और खूब सारा खरपतवार भी आ रखा है। तो मैं सोचती हूँ अभी ठंडे ठंडे माहौल में वहाँ पे गुडाई भी कर लूँ, और साथ साथ में ना यहाँ से कद्दू ढूंढ के भी ले जाओ। तो सामने वाले इस बड़े से पेड़ पे ना खूब सारी बेलें जा रखी है स्कूच की भी, और आजकल इस पे देखिए खूब सारे स्कूच लगे हुए हैं। और हमारे गढ़वाल में इन स्कूच को बोलते हैं बेलकोर। तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बड़ा हो रखा है ये, लेकिन इन स्कूच की सब्जी ठंडी होती है, तो पापा को ठंडी सब्जी नहीं खानी है, तो कह रहे कद्दू ही ला कद्दू ही खाएंगे आज। तो भाई देखिए स्कूच का साइज खूब बड़ा हो रखा है, इसके साथ वहाँ पर भी लगे हुए हैं और ऊपर ऊपर साइड भी बहुत सारे लगे हुए हैं भाई। साथ में यहाँ पे ये काकड़ी की फिंची भी लगी हुई है, एक यहाँ पे है और एक सामने पे है, ये देखिए जी यहाँ पे। और अब देखिए धीरे धीरे करके सूर्यदेव भी प्रकट होने लग गए हैं सामने से, बहुत टाइम बाद धूप देखने को मिल रही है भाई अभी। तो देखते ही देखते मैंने यहाँ इस साइड की क्यारी में से ना खूब सारा खरपतवार निकाल लिया है और उसे यहाँ रास्ते में इकट्ठा कर लिया है। इसी के साथ सामने वाली पहाड़ी से सनसेट भी होने वाला है, और सनसेट की लालिमा खूब चमक रही है भाई यहाँ नीचे नीचे की ओर। बाकी सामने पे रही जी लौकी की बेल, और आजकल देखिए इस बेल पे फ्लावरिंग होने के बाद ना खूब सारी संख्या में लौकियाँ लगने लगी है, ये देखिए जी यहाँ पे भी और वहाँ ऊपर के साइड भी, ये देखिए जी। तो लौकी इस साल ना बहुत लेट लग रही है, और लगी भी तो इतनी ज़्यादा संख्या में कि क्या है बोले, ये देखिए। और नीचे की ओर तो खूब सारी फ्लावरिंग हो रखी है भाई।
तो देखिए जी, आधा घंटा लगातार गुड़ाई करने के बाद अभी देखिए मैंने इस पूरी क्यारी से खरपतवार निकाल दिया है। और अब खरपतवार निकालने के बाद देखिए मूली मूली के पौधे दिख रहे हैं, साथ साथ में लाल लाल मिट्टी। बाकी इस साइड ये यहाँ पे थी छोटी सी मिर्च की क्यारी, और इस क्यारी में आजकल मिर्च के पौधे में खूब सारी मात्रा में हरी हरी मिर्चें भी लगी हुई है, साथ साथ में बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो इसके अंदर भी बहुत सारा खरपतवार हो रखा था जिसे निकाल के मैंने यहाँ पर ढेर लगा दी है। अभी ना सामने वाली क्यारी भी रह गई है गुड़ाई करने के लिए, उसमें भी ना मूली बो रखी थी,